बारिश से मलूसर रोड बावड़ी के पास स्थित बाबा की मजार की दीवार धराशायी होकर बावड़ी में गिर गई। इसके बाद स्थानीय पार्षद चंद्रशेखर बालोटिया और निगम मेयर कमल बाकोलिया ने क्षेत्र की जनता के सामने बाबा की मस्जिद को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए इसके जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण में पैसे की कोई कमी नहीं आने देने का बयान तो दिया, पर हकीकत में आज 2 महीने गुजरने के बाद भी वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया। क्षेत्रीय नागरिकों ने बावड़ी के आसपास कभी भी बड़ी दुर्घटना होने के अंदेशा जताते हुए निगम और पार्षद से क्षेत्र की सुध लेने की मांग की है। ये मलूसर बावड़ी का एरिया है। लगभग महीना भर पहले जब तेज बारिश हुई थी तब मजार और ये बड़ का पेड़ जो है बावड़ी में गिर गया था। उस दिन मेयर साहब भी आए थे तो क्रेन वगैरह से वो रोड की मेन जो दीवार है वो तोड़ी, एक जनरेटर सेट भी लगाया, पानी 2-3 दिन निकाला, उसके बाद में तो कोई पता ही नहीं आज तक। उस दिन मेयर साहब तो बड़े बड़े वादे करके गए थे कि मैं 15 दिन में बनवा दूंगा, चाहे जितना पैसा लगे मैं करवाऊंगा। उसके बाद में आज ना तो मेयर साहब का पता है ना पार्षद साहब का पता है। पार्षद साहब को भी एक दो बार पूछा, हाँ करवाएंगे करवाएंगे। अभी स्थिति यह है कि हमने खुद ने ये बांध के रास्ता रोका हुआ है भाई, जानवर नहीं गिर जाए, कोई आदमी नहीं गिर जाए। अगर देखा जाए दीवारों में जगह जगह दरार आ रही है, किसी ने अगर इसको जोर से धक्का भी दे दिया, अनजाने में कोई जानवर आके इसे टकरा भी गया तो दीवार तो जाएगी जाएगी, जानवर भी गया। पहले तो चलो बाबा ने बचा लिया सबको, अब कौन धनी दोरी, अब तो बाबा भी नहीं है। मलूसर है शांति नगर, परेशानी है देखो, पहले तो बड़ गड़ गया और वापिस अभी हाल को सुनाई नहीं कर रहा, और आके देख के गया कि बोला सही कर देगा, जो दोबारा हाल आया नहीं अभी तक, और कोई गाय डांडा कोई जानवर कोई भी गिर जाए तो कौन दे है दम।